आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाने का फैसला किया था। लोग एकजुट होकर इसके विरोध में उठ खड़े हुए और रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत अमार सोनार बांग्ला ने एक नया अर्थ ग्रहण किया। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। ব্রিটিশ ভারত মে 1765 সে হি বঙ্গাল বিহার আর ওড়িশা এক প্রান্ত মে থে, লেকিন বিভাজন কে সূত্রধার ভারত কে ভাইসরয় লর্ড কার্জন নে ओडिशा और बिहार को तोड़ने तथा बंगाल के 15 पूर्वी जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी प्रांत बनाने और ढाका को उसका केंद्र बनाने की साजिश रची। उसने सोचा था कि बंगाल के विभाजन से राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो जाएगा और राष्ट्रवादियों में फूट पड़ जाएगी। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की कर्जन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक विरोध शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर बंगाली लोगों ने ब्रिटेन की इस योजना को घृणा से देखा और विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान माना। राष्ट्रवादी नेताओं ने महसूस किया कि विभाजन केवल प्रशासनिक आधार पर ही नहीं किया गया था, बल्कि इसका मूल कारण ब्रिटेन सरकार की फूट डालो और राज करो नीति थी। पश्चिमी क्षेत्र में विभाजन का विरोध विस्फोटक और सर्वव्यापी था, यहाँ तक कि नए प्रांत पश्चिम बंगाल के गवर्नर की हत्या का प्रयास भी किया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सबसे महत्वपूर्ण जन नेताओं में शामिल थे जो बंगाल के अगुवा रहे, राजनीतिक दलों को एकजुट किया, याचिकाएं दायर की और बंगाल एवं भारत भर में अत्यधिक जन समर्थन जुटाया। भारत के महानतम कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब विभाजन के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तो विभाजन का विरोध चरम पर पहुंच गया। उस दिन बंगाल के घरों में किसी ने खाना नहीं पकाया। बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की, ताकि दोनों के बीच सुरक्षा का आजीवन बंधन कायम हो और जिसे कोई न तोड़ सके। बांग्लार माटी बांग्लार जल बांग्लार वायु बांग्लार। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ने स्वदेशी और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को जन्म दिया। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रमुख हथियार बन गया। बंगालियों के स्वदेशी और बहिष्कार का तरीका सभी भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए नारा बन गया और वे महात्मा गांधी के असहयोग, सत्याग्रह और खादी आंदोलनों का आधार बने। विभाजन के जबरदस्त एवं व्यापक विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया। 16 अक्टूबर को महान स्वाधीनता सेनानी और राजनेता गणेश घोष की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म बंगाल प्रांत में जेसोर जिले के बिंदोपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजों ने माणिक तला बम मामले में घोष को गिरफ्तार कर लिया और 1924 में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद घोष चिट्टागोंग जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए और वे 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चिट्टागोंग हथियारों की लूट में भी शामिल थे। बाद में घोष को चंदन नगर में गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई तथा अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। 16 अक्टूबर 1994 को 94 वर्ष की आयु में गणेश घोष का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए महान स्वाधीनता सेनानी गणेश घोष को नमन।